चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 17 एंड 18। जो थोड़ा डिफिकल्ट है 18 नंबर वाला, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 17 में क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ पॉइजन वेरिएंट एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, पी ऑफ 0 ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। आप बोलोगे सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एम पावर एक्स एक्स फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं पी ऑफ 1 इज इक्वल टू पी ऑफ 2, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा क्या, तो पी ऑफ 1 की जगह आप बोलोगे ई रेस टू एम, यहाँ पे एम और ये 1 और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। सेम वे ई रेस टू आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करेंगे माइनस एम, यहाँ पे एम 2 एंड 2 फैक्टोरियल, ये m और ये m कट हो जाएगा। यहाँ पे शांति से देखना है कि यहाँ पे जो है ये m है, ये m स्क्वायर है और ये 2 है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से आगे जाने देंगे। तो बच्चा क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 2 सामने ले लो, ये m स्क्वायर है तो ये m है, तो ये आप बोलोगे m इंटू m है, ये हो जाएगा m, m m कट हो जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो जैसे 2 आता है तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू करते हैं पी ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो ई रेस टू एम की जगह आप बोलोगे 2 या माइनस यहाँ पे 2 0 एंड 0 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू 2 माइनस में आ जाएगा। तो बच्चा ये हमारा आंसर आ गया, नीचे दिया भी हुआ है, चेक करने के लिए आप देख सकते हो। तो शांति से ये लिख लो, उसके बाद मैं 18 नंबर का सम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपको दिया हुआ है एक्स इज अ पॉइजन वेरिएंट एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, 9 पी ऑफ 4 प्लस 90 इंटू पी ऑफ 6, फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस। आपको वो तो पता है कि मीन एंड वेरिएंस की दोनों का आंसर जो होता है मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वही इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर लिखते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर अभी आपने फॉर्मूला लिखी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एम और पावर यहाँ एक्स हो जाएगी और यहाँ एक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पी ऑफ 2 या 9 का 9, पी ऑफ 4 ये जो दिया हुआ है ना वो प्रॉपर लिख रहा हूँ 90, और यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ 6, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने कुछ लिखा नहीं है, तो भी क्लियर है ये पॉइंट जो लिखा मैंने, जो था वो थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन लिखा है। आप बोलोगे सर ये क्लियर इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा ई रेस टू एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल, ये मेरा पहला स्टेप होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 एज इट इज, 9 को थोड़े अलग कलर में लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे 9, और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे आप ई रेस टू एम, यहाँ पे एम की रेस टू पावर 4 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये 90, और आप बोलोगे सर इसमें आप लिखो ई रेस टू एम और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे एम की पावर 6 और यहाँ 6 फैक्टोरियल। तो बच्चा ये सफ़र आगे बढ़ाते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप शांति से समझना, यहाँ पे जो दिया हुआ है ई रेस टू एम ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से वो सामने कट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट में मैं ई रेस टू एम नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ से कॉमन निकाला और बाद में कट हो जाएगा। जैसे ये कट होता है तो उसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ये एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 9 इंटू एम की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना बच्चा, 4 थ्री ज़ा 12 इंटू 2 24। सेम वे यहाँ 90 या m की पावर 6 और 6 के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, कितना बच्चा 720। जैसे ही ये करोगे तो ये मैंने क्या किया बच्चा, तो आप बोलोगे सर आपने 0 और 0 कट कर दिया, 9 एट सा करोगे, यहाँ पे आप करते हो तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 से फैक्ट करते हैं, तो 3 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 8, कितना हो जाएगा बच्चा 3 एंड 8,
तो जैसे ही ये स्टेप होता है उसके बाद अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बच्चा क्या लेंगे, तो एलसीएम तो अभी लेना शुरू करते हैं। एम स्क्वायर यहाँ पे 2, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये 8 हो गया, दोनों के डिनोमीटर सेम है तो 3m^4, और यहाँ पे हो जाएगा m^6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये होगा तो ये 2 है यहाँ डिवीजन में और यहाँ 8 है। तो आप बोलोगे सर ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 200 करोगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा m² 3 m^4 m^6 और यहाँ हो जाएगा 4। जैसे ये स्टेप आगे चलता है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अभी हम करेंगे ये 4 को सामने ले जाएंगे, तो 4^4 × m² 3m^4 m^6। यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चा हम क्या कर सकते हैं, तो वो आप बोलोगे सर सिंपली पहले स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना सबसे जितना कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो ये दोनों में। तो आप बोलोगे सर ये कॉमन जो निकलेगा इसमें बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ तो एज इट इज़ लिख दिया, m^4 यहाँ पे 3 m^4। अब बोलोगे 4 कॉमन निकाल दिया तो 2 बचेगा। यहाँ जैसे ये पॉइंट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर स्टेप क्या करना है, तो बच्चा अभी यहाँ शांति से देखो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 4 है, तो आप बोलोगे सर 4 और यहाँ हो जाएगी m^2। जिसको कन्फ्यूजन है उनके लिए ऐसे हम लिखेंगे तो आप बोलोगे m^2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 m² आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब भी मुझे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, तो स्टेप हम रखते हैं। कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ऐसा लिख सकते हैं m² = k। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ रहा है m² = k। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 यहाँ पे हो जाएगा k, यहाँ पे 3 और यहाँ पे k। जैसे ही ये स्टेप समझ में आता है तो बस अभी आंसर आपके नज़दीक है, तो आप बोलोगे सर ये k को मल्टीप्लाई करोगे तो 3k हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 3k और यहाँ k × k, k² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, k² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे k² + 3k + 4। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 के ऐसे पार्ट करो कि 3 आए। तो आप बोलोगे सर k² तो होगा 3, क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये साइड प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस। तो 4 × 1 = 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 भी आ जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0। यहाँ आप बोलोगे सर ये k की जगह x मत लिखो क्योंकि सर को आदत है बच्चा क्योंकि x लिखने की, इसलिए क्योंकि यहाँ k² यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या करना है, तो कॉमन निकालना है बच्चा ये दोनों में से, और आप बोलोगे सर ये दोनों में से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ से k निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चा, k निकल जाएगा और यहाँ पे k + 4 हो जाएगा। यहाँ -k कॉमन निकलेगा, मतलब कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ k + 4 परफेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो जाएंगे, ये 0 k + 4 और यहाँ पे हो जाएगा k, आप बोलोगे k - 1। जैसे ये आता है तो आप बोलोगे सर अभी आगे बढ़ सकते हैं, k = आप बोलोगे सर k + 4 = 0, k - 1 = 0, k = -4, k = +1। जैसे ही ये स्टेप आता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो k की जगह हमने क्या अज्यूम किया था, तो आप बोलोगे सर आपने अज्यूम किया था m², क्या अज्यूम किया था m², तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k = m² है, तो यहाँ पे m² = −4 जो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे में नहीं होगा। k = 1 है तो m² = k = 1, तो m² =, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, तो सिंपल है 1 ही आएगा, किसी का भी स्क्वायर का करोगे तो आप 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। तो m कितना आएगा बच्चा, आप बोलोगे सर मीन 1 आएगा, तो वेरियंस जो है
तो वो भी वन ही आएगा, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरियंस होता है। बच्चा थोड़ा सम अच्छा था, आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन आप दो तीन बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा करना चाह रहा था कि जिससे पूरा सम दिखे आपको, लेकिन यहाँ जो बाकी का सब कुछ आ रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, तो भी बहुत कुछ हो गया। तो बच्चा आपको पहले यहाँ लिखना है, तो लिख लो ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, शांति से ये लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। स्टेप बहुत ही ईजी है, खाली आपको स्टेप फॉलो करने हैं, तो कोई इशू आएगा नहीं। शांति से स्टेप बाय स्टेप लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, फिर से मिलेंगे।